I stayed in Mumbai for 14 years. Oh, you stayed in Mumbai for 14 years? Hari Prasad Chaurasia. Bansuri wala, no? Oh, yeah, nice, yeah. Man. गुड मॉर्निंग गाइज, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में प्लेस वेलिंगटन। आप सोच रहे हो भाई एकदम जगह जगह एकदम चेंज कैसे लग रही है, हॉस्टल में कैसे आ गए? तो भाई परसों सुबह मैं न्यूजीलैंड पहुंचा था। उस दिन जो होटल बुक किया हुआ था वो अनु ने किया था। यार उतने महंगे महंगे होटल मेरे से बुक नहीं होते हैं। उस होटल की कॉस्ट थी 5,000 rupees पर नाइट। उसके बाद मैं यार ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेरा बहुत खर्चा हो गया है, तो ऐसी जगह अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। तो उसके बाद उस जगह को छोड़ के मैं इस हॉस्टल के अंदर आ गया और दो रात मैं इस हॉस्टल के अंदर रुका। ये वाला मेरा बेड था। और आज आपका भाई वेलिंगटन से निकलने के लिए तैयार है। वेलिंगटन सिटी को मैंने इतना एक्सप्लोर किया नहीं, क्योंकि वापस मैं वेलिंगटन आऊंगा तब शायद एक्सप्लोर करूं। और सिटी में यार इतना मेरा घूमने का मन नहीं है, तो मेन मेरा फोकस रहेगा न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड के ऊपर। कल मैं यहाँ की जो एक जगह है उसके ऊपर गया था, इन्फॉर्मेशन सेंटर, वहां से भाई इतने पैम्फलेट लेके आया हूँ मैं। और आज मैंने एक फेरी भी बुक कर रखी है। अब तक कितनी, दो रात हो चुकी है मुझे, एक जब मैं आया वो वाली, एक कल वाली। कल वैसे पूरे दिन मैंने रेस्ट ही किया, कुछ नहीं किया। और अब यहाँ से अब मैं निकल रहा हूँ साउथ की तरफ। अब तक जो मुझे न्यूजीलैंड समझ आया ना, एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इज रिलेटिवली चीपर देन ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड की करेंसी भी डॉलर ही है और यहाँ का एक डॉलर इज इक्वल्स टू 50 Indian rupees। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैंने कैश बहुत लेट निकलवाया था, न्यूजीलैंड में आते ही मैंने थोड़ा जल्दी निकलवा लिया। मैं आपको दिखाई देता हूँ न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है। और भाई शॉकिंगली न्यूजीलैंड की करेंसी, ये देखिए 20 का नोट, और इस 20 के नोट में आपको क्वीन एलिजाबेथ दिख रही होंगे शायद, जिनका कुछ दिन पहले देहांत हुआ था। जो मेरी फेरी है साउथ आइलैंड पे जाने के लिए, 1:30 बजे की फेरी है, 1 बजे की फेरी, मैंने अभी ढंग से टाइम देखा नहीं है। बड़ी प्यारी सुबह है यार। हाँ, तो हॉस्टल से चेकआउट कर लिया है मैंने। इस हॉस्टल के अंदर मैं पे कर रहा हूँ एक रात के 1,300 rupees। ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में यहाँ पे मुझे सस्ते में हॉस्टल भी मिल गए। और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है अभी तक मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि इस रिलेटिवली चीपर देन ऑस्ट्रेलिया। सस्ता तो नहीं है लेकिन ऑस्ट्रेलिया से सस्ता है। अगर ठीक ठाक खाना खाना है तो $10 में आपका काम चल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये लगभग $13 के आसपास पहुंच जाता था। न्यूजीलैंड मेरे को थोड़ी सस्ती लग रही है। वेलिंगटन है ना, एकदम कोस्टल सिटी है, नॉर्थ आइलैंड के एकदम साउथ वाले पार्ट में पड़ती है। बेसिकली अगर आप देखोगे न्यूजीलैंड के मैप को, तो देयर आर टू आइलैंड्स, नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड। जो साउथ आइलैंड है वो ज्यादा बड़ा है, और साउथ आइलैंड में जो बड़ी बड़ी बर्फीली चोटियां हैं ना वो पड़ती हैं। न्यूजीलैंड का सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट भी साउथ आइलैंड है। और आपने काफी रील्स देखे होंगे जिनमें बड़े बड़े वाटरफॉल्स हैं, वो सारी की सारी चीजें साउथ आइलैंड में मिलेंगी आपको। और साउथ आइलैंड और नॉर्थ आइलैंड के बीच में फेरी चलती है, और उसी फेरी का आज मैं यूज करने वाला हूँ। ये तो हो गई भाई अब तक की अपडेट। और दूसरा न्यूजीलैंड का थोड़ा बहुत जो प्लान मैं सोच रहा हूँ, मैं साउथ की टिप तक जाके आऊँ। देखो ऑस्ट्रेलिया फिर भी आप दोबारा जा सकते हो, भाई एक बारी में आप कवर नहीं कर पाओगे ऑस्ट्रेलिया को। न्यूजीलैंड के पास आपके पास अच्छी खासी ऑप्शन है कि आप एक बार में कवर कर सकते हो, ज़्यादा बड़ी कंट्री नहीं है। और न्यूजीलैंड के अंदर एक अच्छी बात और है कि यहाँ पे है ना कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो आपको मार सकता हो, ना यहाँ पे भालू है। न्यूजीलैंड के अंदर सांप एग्जिस्ट ही नहीं करते, और खतरनाक से खतरनाक यहाँ के पक्षी हो सकते हैं, उनसे बच के रहना। और पक्षी ज्यादा ज्यादा क्या कर लेंगे, पर यहाँ के जो सीगल है ना, सीगल बोले तो समुद्री कबूतर, वो बड़े खतरनाक है। पिछले 2-3 दिनों से मौसम इतना ज्यादा खराब हो रखा था कि हर टाइम बारिश, आज बड़ा प्यारा मौसम है। तो उम्मीद कर रहा हूँ फेरी जब लेके जाऊंगा साउथ आइलैंड की तरफ तो काफी जगह देख पाऊं ढंग से। फेरी मेरी जा रही है वेलिंगटन से पिक्टन। कल यहाँ पे गया था मैं वेलिंगटन विजिटर इन्फॉर्मेशन सेंटर, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। भाई अभी इधर घूम ही रहा हूँ मैं वेलिंगटन के अंदर। जो मेरी फेरी का टाइम है वो 1:30 बजे का, और 12:30 बजे चेक इन है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी चेक इन क्यों करवा रहे हैं। कल रात की बात बताता हूँ यार, कल रात को है ना मैं यहाँ पे वेलिंगटन के अंदर कोई काउ सर्फिंग का मीटअप था, वो मीटअप अटेंड करने गया था। और जब वहाँ पे गया ना भाई, मुझे इतनी वियर्ड सी चीज दिखी, उसके ऊपर हंसी आ रही थी मेरे को। वेलिंगटन घूम के आया था मैं, लेकिन उस टाइम वीडियो नहीं बनाई, वही दिखाने जा रहा हूँ अभी। ये है वेलिंगटन की सबसे फेमस स्ट्रीट, कूबा स्ट्रीट। और जब भी आप वेलिंगटन आओगे और कहीं पे घूमो ना घूमो, इस स्ट्रीट के ऊपर जरूर घूमना। ये थोड़ी टूरिस्टी टाइप है, और यहाँ पे मतलब कि पैदल वैदल चलने के लिए अच्छी खासी जगह बना रखी है। और जो वियर्ड सी जगह मैं बता रहा था ना, उस चीज का मुझे कोई भी यूज नहीं लगा, और वो इतनी फनी है, उसी की तरफ जा रहा हूँ भाई। जो मैं आपको बता रहा था ना, वो वियर्ड सी चीज मैंने देखी थी, वो अब मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इसका कंसेप्ट मुझे समझ नहीं आ रहा कि बनाए किस लिए है। ये नीचे एक तालाब सा बना रखा है, इसके अंदर पानी ऊपर जा रहा है और आधा पानी बाहर गिरता है, देखो। किसी को कुछ समझ आ रहा है कि किस चीज के लिए बनाया है, बताना आ रहा है मुझे। ये देखो, जो रास्ते पे चलते हैं उनके लिए और दिक्कत कर रहा है ये।
Wow, how are you doing? I stayed in Mumbai for 14 years. Oh, you stayed in Mumbai for 14 years? Which place are you from in India? I'm from Haryana, like near to Delhi. Yeah, Haryana. I've been there many times as well. I studied under Guruji Hari Prasad Chaurasia in Mumbai. Which one? For Bansuri. Hari Prasad Chaurasia. Hari Prasad Chaurasia. Ah, Bansuri wala, no? Oh, yeah. Nice, yeah. Man. Thanks, man. Love you. What's your name? My name is Gerard. Gerard. Yeah, nice to meet you. Nice to meet you. My name is Dipanshu. Dipanshu, okay. So, oh, have a nice day. Upkanam. Sumil. Sumil, nice to meet you as well. Thank you for keeping us safe, bro. Thanks, Jera. Nice everyone. Love you. Bye bye. Love you too. So, bhai, main abhi yahan pe ghum raha tha aur mujhe mil gaye apne Punjab se Sumit bhai. Thank you, Sumit bhai. Punjab mein kidhar se bataya aap? District Hoshiarpur. Aur pind? Gadshankar. Gadshankar. Kitni dur hai city se? City se 35. और कितना टाइम हो गया आपको न्यूजीलैंड में? मैं लास्ट ईयर आया था। लास्ट ईयर में, अच्छा। यहाँ पे घूमते घूमते जो पीछे ये वियर्ड सी जगह दिख रही है ना, मैंने पाजी से पूछा, पाजी क्या है? पाजी बोलते हैं यार मेरे को भी ढंग से समझ नहीं आया क्या बना है, पर आधा पानी तो गिर जाता है इसमें। चलो थैंक यू भाई यार, सो नाइस टू मीट यू यार। तो यार इसी वियर्ड जगह को मैं यहाँ पे देखने आया, आपको कुछ समझ आया कि वो भाई वो एक्चुअली में दिखाना क्या चाह रहा है? पहुंच चुका है आपका भाई वापस से क्यूबा स्ट्रीट के अंदर, 12 बज चुके हैं, 12:30 का चेक इन है, तो अब जल्दी से सामान लेके निकलता हूँ। एक चीज और, आप लोगों को याद होगा ऑस्ट्रेलिया ट्रिप के टाइम पर जो मेरा स्लीपिंग मैट्रेस था उसके अंदर डेली हवा मार के मेरे को भरना पड़ता था रात को सोते टाइम। मैं अभी यहाँ पे मार्केट में जाके चेक करके आया और मुझे अच्छी वाली मिली नहीं यार, वो मैट्रेस जो मिल रही है वो बहुत महंगी है। इंडिया में मेरे पास ऑलरेडी 2 मैट्रेस और पड़ी है, तो मैं उतनी महंगी वाली लेना नहीं चाहता। तब उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ और ढंग की मिल जाए, ढंग की और सस्ती, ताकि भाई मैं पुरानी वाली को भी यूज़ कर लूँ और नीचे एक थोड़ा बेस बना लो। और वेलिंगटन से है ना मेरे को एकदम उस टाइप वाली फीलिंग आ रही है, सेंट पीटर्सबर्ग वाली। इंपॉर्टेंट बात है जो बताना भूल गया, न्यूजीलैंड के अंदर 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक है माओरी। माओरी बोले तो यहाँ के जो जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर एबोरिजिनल लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया के नेटिव लोग, माओरी यहाँ की एक ट्राइब थी जो ब्रिटिशर्स के आने से पहले यहाँ पे रहती थी, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद उनकी लाइफ चेंज हो गई। लेकिन न्यूजीलैंड ने एक काम अच्छा किया, अपनी उस ट्राइब को रिकॉग्निशन बहुत जल्दी दे दिया और उस ट्राइब को न्यूजीलैंड ट्राई कर रहा है कि मेन स्ट्रीम में लेके आ जाए और काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल भी हुए हैं। तो जब आप न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई करोगे आपके पास एक मैसेज आएगा कि भाई आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है, तो उसमें किया ओरा लिखते हैं, वो किया ओरा मतलब आई थिंक हाई बोलते हैं माओरी लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक है अंग्रेजी और दूसरी माओरी जो यहाँ की ट्राइबल लैंग्वेज है। और मेरे हॉस्टल का नाम है नोमैड्स कैपिटल वेलिंगटन, काफ़ी सस्ते में मुझे डील मिल गई थी वो। और अभी तक आज मैं जिस टाउन के अंदर जा रहा हूँ पिक्टन के अंदर, वहाँ के लिए अभी तक मैंने हॉस्टल बुक ही नहीं किया है भाई, अब करूँगा जाके फेरी में बैठ के। पर ठंड मस्त होने वाले साउथ आइलैंड की तरफ, वहाँ पे सुना था मैंने -10 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। तो भाई हॉस्टल से मैंने सामान ले लिया है और अब निकल रहा हूँ। 12:30 बजे फेरी जाएगी और जो फेरी वाली टर्मिनल वो लगभग 1.5 किलोमीटर है यहाँ से। पहले तो सोच रहा था कि वो बस लूँगा वहाँ जाने के लिए, लेकिन यार पैदल चल के जाएंगे ठीक है, थोड़ा पेट भी कम होगा। मैं सोच रहा था ऑस्ट्रेलिया में घूम घूम के मेरा पेट कम हो गया होगा, लेकिन भाई वेट उतने को उतना है, मेरा वेट कम ही नहीं हुआ इतना पैदल चलने के बाद भी। मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलियन बियर ने है ना मेरे ऊपर अलग ही इफेक्ट डाल दिए थे, ज़्यादा ही बियर पी रहा था मैं ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन कोई नहीं यार, ठीक है, मज़े आए मेरे को ऑस्ट्रेलियन ट्रिप में। फेरी थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ रही है मुझे, अगर आप नॉर्थ आइलैंड से साउथ आइलैंड की तरफ जाते हैं वेलिंगटन से पिक्टन, तो आपको फेरी के पे करने पड़ेंगे ₹3,000, 60 New Zealand dollars। और मैंने फिर फ्लाइट भी चेक किया कि ₹3,000 के फेरी के, तो स्टार्टिंग में मुझे अजीब सा लग रहा था यार इतने पे नहीं करने, फ्लाइट तो 7-8 हज़ार रुपये की आ रही थी। फिर मैं भाई मेरे पास ये एक ऑप्शन है। और रही वो मैट्रेस वाली बात, तो अब मैंने डिसाइड किया है कि इंस्टेड ऑफ बाइंग हैवी ज़्यादा महंगे वाला, मैं एक योगा मैट खरीद लूँगा। योगा मैट होगा ना तो डबल प्रोटेक्शन हो जाएगी, जो ऑलरेडी मेरे पास मैट्रेस है उसके नीचे फिर मैं योगा मैट बिछा लूँगा ना, तो फ्लोर थोड़ा फिर भी ठीक ठाक गर्म रहेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के अंदर ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा ठंड है और साउथ आइलैंड में तो बर्फ बर्फ पड़ रही है। और वहाँ पे अगर मैं कैंपिंग कर रहा हूँ और अच्छी इक्विपमेंट मेरे पास नहीं है ना, तो लग जाएंगे आपके भाई के, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते मैंने यार यहाँ पे कंजूसी नहीं बरतनी है। यार ये वाला पॉइंट तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। आपको फेरी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, यहाँ से ना 2 फेरी जाते हैं, एक तो जाती है ब्लू ब्रिज जिसके अंदर मैं जा रहा हूँ और एक है इंटर आइलैंडर। तो इन दोनों फेरीज के थ्रू आप वेलिंगटन से पिक्टन और पिक्टन से वेलिंगटन या आप अपनी जो जर्नी है इसको बुक कर सकते हो। फेरी आपको ऑनलाइन बुक करनी पड़ेंगे, प्राइसेज विल बी अराउंड $60। और अगर आपको थोड़ी और ज़्यादा फैसिलिटी चाहिए इसके अंदर तो एक कमरा वमरा भी बुक कर सकते हो, उसके एडिशनल $40 से $50 लग जाएंगे। वो जब आप बुक करोगे ना तो उस टाइम आपको सारी की सारी चीज़ें दिख जाएंगी। पहले तो मुझे लगा था कि छोटी सी फेरी जाती होंगे, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि भाई फेरी नहीं है, बड़ी बड़ी शिप जाती है ये, इनके अंदर ट्रक व्रक लद के जाते हैं, क्योंकि इन्हीं फेरीज के थ्रू ये ट्रक भी नॉर्थ आइलैंड से साउथ आइलैंड और साउथ आइलैंड से नॉर्थ आइलैंड की तरफ आते हैं। ये ना भाई ब्लू ब्रिज, ये वाली शिप जाएगी
अभी इसके अंदर 3-4 ट्रक लोड हो रहे हैं मेरे सामने, और आगे रह गया आई थिंक स्काई स्टेडियम। उस स्टेडियम के अंदर मुझे लग रहा है क्रिकेट के भी मैच होते होंगे। ये है भाई ब्लू ब्रिज कुक स्ट्रेट फेरीज। तो जिस जगह को हम क्रॉस करने वाले हैं उसको बोलते हैं कुक स्ट्रेट, बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ आइलैंड। भाई चेक इन हो चुका है मेरा, और चेक इन बड़ा इजी था यार, कुछ भी नहीं, मेरी आईडी भी नहीं लगी ना, मेरा पासपोर्ट मांगा। और चेक इन की एक अच्छी बात, जो आपका बड़े वाला बैग है वो आप यहाँ पे चेक इन कर सकते हो, तो बड़े वाला बैग सीधा अंदर लगेज में पहुँच जाएगा, और जो बोर्डिंग है वो भी अब चालू हो चुकी है। तो भाई देख रहे हो इतनी बड़ी फेरी के, अब मुझे पता भी नहीं फेरी बोलूँ या इसको शिप बोलूँ, जो भी है इसके अंदर आपका भाई ट्रैवल करने वाला है। ये ट्रक शायद इसी के अंदर से आए हैं। ओए बाप रे, आज तक इतनी बड़ी शिप के अंदर आपका भाई गया नहीं है, ये भी एक अलग एक्सपीरियंस होगा मेरे लिए। ये पीछे वाला गेट है जिसके थ्रू बड़े बड़े ट्रकों की गाड़ियों की एंट्री होती है। आई थिंक ट्रक ड्राइवर को अंदर ही बैठना पड़ता है। इन बड़ी बड़ी शिप्स के अंदर काम करने वाले की भी एक अलग लाइफ होती है। एक शायद यूट्यूबर है कुनाल नायर करके, आई थिंक वो मर्चेंट नेवी में काम करते हैं, उनकी वीडियोस देख के यार खतरनाक एक्सपीरियंस देखते हैं कि कई बार वो बड़े बड़े तूफान में फंस जाते हैं। भाई तगड़ी लाइफ है इनकी। आई थिंक पूरे ट्रांसपोर्टेशन के लिए है ना इसी टाइप की फेरीज यूज होती हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ और नॉर्थ से साउथ की तरफ। मैं जो फेरी है इसके अंदर आ चुका हूँ, और यहाँ पे है ना एकदम अलग ही माहौल है भाई, बैठने के लिए मस्त जगह बना रखी है, अंदर थिएटर भी है, बच्चों के लिए भी रूम बना हुआ है यहाँ पे। अगर आपको थोड़े पर्सनल रूम चाहिए केबिन वेबिन तो वो भी अवेलेबल है, $40 में यानी 2000 रुपये में आप एक बंदे का केबिन ले सकते हो। और ये है यहाँ की व्यूइंग एरिया, ये पूरे यहाँ का पोर्ट का नज़ारा है। भाई इसके अंदर मैं तो ये हैरान हूँ इतने ज़्यादा गाड़ी वाड़ी आ सकती हैं, कितनी ट्रक भरे जा रही है इसमें यार। एक तो एक्साइटमेंट ही है ना कि मैं लाइफ में पहली बार इस टाइप की फेरी में बैठ रहा हूँ यार, तगड़ी एक्साइटमेंट है भाई। ये फेरी वाला अच्छा एक्सपीरियंस होगा, मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड करूंगा कि इंस्टेड ऑफ फ्लाइंग आप ये फेरी लेना, पता ही नहीं कितने ट्रक्स को अकोमोडेट कर सकती है ये। सामने इधर रह गया वेलिंगटन का पोर्ट, बड़े बड़े कंटेनर दिख रहे हैं, और इस फेरी के अंदर हर टाइप की सुविधा अवेलेबल है, बच्चों के लिए प्ले रूम है, एक थिएटर भी बना हुआ है छोटा सा, अगर आप पर्सनल रूम लेना चाहते हो तो पर्सनल रूम भी ले सकते हो, और व्यूइंग डेक भी काफी बने हैं ऊपर वाले भी, और उससे ऊपर भी आप जा सकते हो। लगभग 7-8 फ्लोर है इसके ऊपर, 2-3 फ्लोर के अंदर तो ट्रक ही लोड हो रहे हैं। इधर एक रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, अरे बाप रे। ये सारे के सारे रूम है जिनको आप रेंट कर सकते हो 3-4 घंटे के लिए। अब मैं थोड़ी देर शांति के साथ बैठ के एक चाय पी रहा हूँ अंदर जो कैफे है ना, ये वाला कैफे, यहाँ से मैंने एक चाय खरीदी है पेपरमिंटी, और यहाँ पे जो चाय मिल रही है ना वो है दिलमा की। दिलमा भाई एक श्रीलंकन ब्रांड है, अगर आप पूरी दुनिया में जाओगे ना दिलमा बड़ा फेमस है। और बाकी मैं अभी यहाँ पे जो स्टाफ है इस शिप का या बोट का या फेरी का उनसे मैं बात कर रहा था, एक बंदी मुझे मिली, वो है यहाँ की लोकल ट्राइबल से बिलोंग करती है, माओरी ट्राइब से। और जब आप माओरी ट्राइब के लोगों को देखोगे ना वो जस्ट लाइक इस ओशियाना रीजन के अंदर ना काफ़ी आइलैंड पड़ते हैं, उनमें से एक आइलैंड है सामोआ। सामोआ के लोग भाई इतने बड़े बड़े होते हैं, यूँ मान लो अगर वो अपने एक थप्पड़ मार देना वहीं पे लेट जाओगे, 6-7 फीट उनकी हाइट होती है, और 7 फीट का बंदा और एकदम ह्यूज, यूँ मान लो बिग शो नहीं था, बिग शो जैसे दिखते हैं। तो माओरी लोग थोड़े आपको बड़े मिलेंगे, बल्कि मिलेंगे, और जो गोरे लोग हैं गोरों का आप इजीली पहचान नहीं जाओगे। तो ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स के बीच में ये एक अच्छा डिफरेंस है न्यूजीलैंड के अंदर। चाय वाला सीन हो चुका है और अब जा रहा हूँ बाहर। इंजन स्टार्ट हो गए हैं इस बोट के, मस्त आवाज़ आ रही है, थोड़ी थोड़ी वाइब्रेशन भी आ रही थी। अब भाई से पूछता हूँ कि कितनी देर में स्टार्ट हो जाएगी। अरे स्टार्ट हो गई है भाई, भाई तगड़ी फीलिंग आ रही है यार, भाई साहब। तो भाई वेलिंगटन को बाय बोलने का टाइम आ चुका है, और अपनी जो ये शिप है ये स्टार्ट हो गई है। मजेदार एक बात है, आगे से ना धुआं निकल रहा है, धुएं के साथ थोड़ी गर्माहट भी आ रही है, तो मेरा वहां खड़े होने का मन कर रहा है, थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लग गई है। और भाई निकल पड़ी अपनी शिप 2.5-3 घंटे की जर्नी के ऊपर। जो पीछे आप शहर देख रहे हो दैट इज वेलिंगटन। मेरा फर्स्ट इंप्रेशन खतरनाक है न्यूजीलैंड का, बड़ा प्यारा लगा मेरे को, ठंड ज्यादा है बस। भाई इस शिप का जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है ना, सेकंड लास्ट फ्लोर के ऊपर आ गया हूँ, खतरनाक व्यू आ रहा है यहाँ से। उधर अपने जो पायलट भाई साहब उनके रहने की जगह, या फिर वहाँ से
ये शिप ऑपरेट हो रही है, ऊपर शायद ये रडार वडार लगा हुआ है। ये देखिए भाई, नीचे सारे के सारे ट्रक वगैरह गाड़ी वाड़ी सब नीचे खड़ी है यहाँ पे। मैं तो दीवाना हो गया हूँ इसका, इस टाइप की चीज़ मैंने पहले कभी नहीं देखी थी यार, इतनी बड़ी शिप के अंदर ट्रैवल करना। काश मैं यहाँ पे ड्रोन फ्लाई कर पाता, लेकिन परमिशन नहीं मिलेगी। एक तो एयरपोर्ट पास में और एक चलती हुई फेरी है, अगर कुछ पंगा हो गया तो ड्रोन उधर ही रह जाएगी और मैं इसको ड्रोन को लैंड और नहीं करवा पाऊँगा। लैंड करवाने के लिए जगह तो काफ़ी है इसमें, लेकिन फिर भी यार रिस्क नहीं ले सकते। इधर ऊपर रुकना इतना मुश्किल हो रहा है, क्या ही बताऊँ, इतनी तेज़ हवा चल रही है। बाकी जो लोग लॉर्ड ऑफ रिंग्स और हॉबिट के फ़ैन हैं, आप लोगों को पता होगा ना कि उसकी जो ज़्यादातर शूटिंग हुई है दैट इज़ इन न्यूजीलैंड, लेकिन वो जगह ज़्यादातर आपको नॉर्थ आइलैंड में मिलेंगी। और कितना मस्त है भाई ये। अब थोड़ी देर अंदर जाके बैठूंगा, ठंड लग रही है बाहर। तो जब मेन आइलैंड आएगा ना साउथ, उस टाइम बड़ी ब्यूटी है, तब बाहर जाऊंगा। इतने एक बार थोड़ी देर बैठ जाता हूँ और जो यहाँ का ही मूवी रूम है वो दिखाता हूँ आप लोगों को। भाई जो सामने आप देख रहे हैं, ये देखिए आप, ये जो पहाड़ है इसके ऊपर बर्फ दिख रही है आपको। अभी जो हमारी शिप है या फिर ये जो फेरी है, ये एकदम स्ट्रेट के बीच में पहुंच चुकी है। तो हम लिटरली समंदर के बीचों बीच है। और भाई इतनी बड़ी बोट होने के बाद भी है ना ऐसे झूल रही है ये, यार ये क्या पंगा हो रहा है। अंदर में अभी उस मूवी थिएटर में था और मूवी थिएटर में ये बोट ऐसे हिल रही फेरी, मुझे डर लगने लग गया। मैं एटलीस्ट बाहर जाके देखूंगा, कम से कम दिमाग को शांति तो रहेगी कि कुछ नहीं होगा। ये देखिए भाई, ये जो पीछे रह गया ये है यहाँ का नॉर्थ आइलैंड, और सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं ना ये भी नॉर्थ आइलैंड का ही पार्ट है। अरे बाप रे बाप, भाई साहब, अरे उछली 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 उछली, लहरें बड़ा रूप तो ले रही है भाई। अरे भाई, न्यूजीलैंड के मेरा पहला इंप्रेशन खतरनाक ही है। अंदर जाना पड़ेगा, मेरे को एक वीडियो का थंबनेल एडिट करना था, लेकिन ऐसी खतरनाक जगह मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी यार। देख रहे हो बीच में, बीचों बीच समंदर, और समंदर खत्म होते ही ऐसे मस्त मस्त एकदम हरियाली भरे पहाड़, और उनके ऊपर भाई विंड मिल। क्या इस जगह के ऊपर मैं अकेला हूँ, सबके सब लोग नीचे चले गए हैं, और अब हम अप्रोच कर रहे हैं साउथ आइलैंड को, ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। ये सामने जो आपको दिख रहा है ना, यही है साउथ आइलैंड। पहले जब ऊपर आया था ना उस टाइम हवा बहुत तेज़ चल रही थी, थोड़ी थोड़ी अभी भी चल रही है, लेकिन ऐसे अगर कोने में रहूँगा ना तो मस्त लगेगा यार, तगड़ा व्यू आ रहा है यार। उधर जो सामने छोटे छोटे पहाड़ दिख रहे हैं ना, वो नॉर्थ आइलैंड रह गया। जो नीचे ट्रक है ना, इनको बांधा हुआ है चेन्स के साथ, भाई अगर मान लो समुंदर के अंदर डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगी तो कहीं इधर उधर ना हो जाए लाइफ बोट, अगर भाई ये शिप विप डूबने लग जाए तो ये बचाएगी हमको। साउथ आइलैंड के एंट्री के ऊपर ही है ना मस्त मस्त सी जगहें दिख रही हैं। अब बोट यहाँ पे टर्न ले लेगी और फिर अब दोनों तरफ पहाड़ आ जाएंगे और बीच में होगा समंदर। भाई एक बंदे का घर भी है यहाँ पे, सोच के देखो यार, मैं दिखाता हूँ आपको ज़ूम करके, इस भाई का घर है यहाँ पे। भाई पिकटन टाउन के अंदर पहुंचने वाले हैं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही आगे जाने की। तो भाई इतनी ठंड कभी नहीं देखी मैंने, बहुत ज़्यादा ठंड है। वो आ गई है भाई, जो छोटी छोटी बत्तियां से जलती हुई दिख रही है ना आपको, वही है पिकटन टाउन।
पहुंच गए हैं भाई पिक्टन में। अभी फेरी घूम घूम के हार्बर के ऊपर खड़ी होगी। ज़्यादा बड़ी टाउन नहीं है, छोटी सी टाउन है, लेकिन जो हॉस्टल है वो मैंने एडवांस में ही बुक कर लिया, 1100 रुपये का मिला है, ज़्यादा महंगा नहीं है। ये देख लीजिए भाई, यहाँ पर समंदर एकदम शांत हो रखा है। न्यूजीलैंड को भाई इस टाइप का बड़े वरदान मिले हैं, इस टाइप के छोटे छोटे आइलैंड, वैसे तो एक आइलैंड ही है पूरा जो साउथ आइलैंड में, सुबह से बात कर रहा हूँ साउथ आइलैंड। इन आइलैंड्स के बीच में भी ऐसे साउंड बहुत हैं, साउंड बोले तो ऐसी जगह जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है। ये भाई पहुंच चुकी है हमारी ये शिप बोट या फेरी पिक्टन के अंदर, और ऑलरेडी यहाँ पे एक और फेरी खड़ी है, उसका नाम है इंटर आइलैंडर। दो हैं, एक तो दो फेरी सी कंपनी, एक इंटर आइलैंडर और ये ब्रिज वाली जिसके अंदर मैं आया हूँ। लोगों ने अपनी इधर गाड़ी खड़ी कर रखी है, सबको बोल दिया कि अब अपनी गाड़ी में रिटर्न आ जाओ। पहुंच गए भाई पिक्टन के अंदर, खतरनाक सीन है यार, यहाँ पे अंधेरा हो चुका है बाहर अच्छे वाला। पहुंच गया हूँ भाई हॉस्टल के अंदर पिक्टन टाउन में। इस हॉस्टल के लिए मैं पे कर रहा हूँ $20 पर नाइट, 1180 रुपये, 1180 रुपीज फॉर दिस अकोमोडेशन। यहाँ पे आज आपका भाई रुकने वाला है। अब एक बार जो मेरे बाकी गैजेट्स हैं उनको चार्ज करूँगा, तैयारी करूँगा अगले जगह पर निकलने के लिए। बाकी देखते हैं भाई क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। और यहाँ पे ये बिल्ली है। आज की जो जर्नी थी ना यार, उसके बारे में मुझे बताना पड़ेगा, काफ़ी मज़े आए। मैंने सुना था कि न्यूजीलैंड सुंदर है, लेकिन जो जब ये बोट इस बे के एरिया के अंदर एंटर हो रही थी ना, उस खाड़ी के अंदर, मेरे होश उड़ गए थे। मैं इतनी सुंदर जगह है, खतरनाक, और ये बोट राइड भी मस्त थी। न्यूजीलैंड को मुझे बोलना पड़ेगा, ठंड थोड़ी ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा है। कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे यहाँ पे टेम्परेचर -10 के आसपास पहुँच जाता है, और कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर मेरा मस्त कैंपिंग वाला करने का मन है, तो वहाँ पे भी जाके आएंगे। और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं न्यूजीलैंड के जो नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंसेस हैं वो दे पाऊँ, बेटर देन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेरे थोड़े अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस हैं, वहाँ पे नेचर के अंदर उतनी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल स्टफ नहीं है, कुछ हैं ज़्यादा समंदर से रिलेटेड, और समंदर से लेके मैं इतना राजी रहता नहीं हूँ, मुझे पहाड़ चाहिए। आई लव माउंटेन्स और मुझे ठंडी जगह भी ठीक लगती हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक अलग टाइप की ब्यूटी थी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। बस यार यही था मेरा न्यूजीलैंड के अंदर पहले दिन का एक्सपीरियंस, जिसमें आपने काफ़ी चीज़ें देख ली होंगी। और मैं वेलिंगटन से फेरी लेके पहुंच चुका हूं पिक्टन टाउन के अंदर। मेरी अब ऑफिशियली एंट्री हो गई है सदर्न आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड। बस यार इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ।